नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज का दिन वसई वासियों के लिए काफी खुशखबरी का है। दरअसल वसई विरार के वासियों के लिए आज एक बड़ी सौगात मिली है। आज वसई में पासपोर्ट कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हो गया और कल से वसई विरार अंतर्गत पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले वसई वासियों को पासपोर्ट के लिए किसी को मलाड़, किसी को सिलवासा, किसी को थाने, इस तरह अलग अलग जगह जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सेवा वसई के ईस्ट में शुरू हो चुकी है। आज हुए कार्यक्रम में शाम को 4 बजे के जब कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन कार्यक्रम, इसमें दिल्ली से केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। बाद में यहां पर कार्यक्रम में मौजूद पालघर सांसद राजेंद्र गावित, उनके साथ प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी, वहीं ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मीरा भाईंदर और पोस्टल डायरेक्टर ऑफ पोस्टल विभाग, ऐसे अधिकारी वहां मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र गावित ने अपने विचार व्यक्त किए, पासपोर्ट रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने अपने विचार व्यक्त किए और कहीं ना कहीं राजेंद्र गावित ने अपने बयान में कहा कि वसई करों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। तो वाकई में ये बड़ी सौगात वसई करों को मिली है, समूचे पालघर जिले अंतर्गत एक बड़ी सौगात है। और इसके बाद में वसई विरार वासियों को इधर उधर पालघर वासियों को बल्कि यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा। इस कार्यक्रम में एक शख्सियत की जरूर कमी दिखाई दी, उनका नाम भी मौजूद था स्टेज पर कार्यक्रम में, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। वो शख्सियत और कोई नहीं, स्थानिक विधायक हितेंद्र ठाकुर, जो इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। क्या न जाने क्या उनकी ऐसी परेशानी रही होगी कि वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी कमी जरूर खली। केंद्रीय मंत्री ने भी अपने उद्बोधन में सांसद राजेंद्र गावित एवं विधायक हितेंद्र ठाकुर दोनों का नाम लिया था, लेकिन हितेंद्र ठाकुर तो कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। तो देखिए इस कार्यक्रम की जलकिया और क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम के बाद सांसद महोदय ने और स्थानिक भाजपा जिलाध्यक्ष ने। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सांसद पालघर लोकसभा क्षेत्र श्री हितेंद्र ठाकुर, विधायक श्री आर्मस्ट्रांग जैक्सन, जॉइंट सेक्रेटरी और चीफ पासपोर्ट ऑफिसर डॉक्टर राजेश गवांडे, आरपीओ मुंबई, आमंत्रित अतिथिगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल रेसिडेंट्स ऑफ वसई विरार रीजन ऑन द ओपनिंग ऑफ ए न्यू पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र इन वसई। दिस विल बी द 14th पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र इन मुंबई एंड 430th इन इंडिया, and we bring passports and passport related services even more closer to residents of Palghar Lok Sabha constituency. They will no longer have to travel to either Malad or Thane to receive the services. The POPSKs are a part of the ministry's commitment to open one passport processing center in every Lok Sabha constituency of India. The passport serves as an essential document that enables our workforce to participate in gainful employment outside India and help India showcase its credentials as a dependable source of skilled manpower. I can say proudly that our service delivery process is one of the best in the world. We continue to improve the service delivery process, keeping in view citizen-centric approach and ease of living as guided by PM Modi ji. Our scale is huge. To give you a perspective on the scale of our work, the ministry services approximately 1.3 crore passports each year through its offices in India and missions abroad. Mumbai alone attends to approximately 5,000 applications on a daily basis. Mumbai also prints nearly 1 lakh passports every month for Mumbai region and other cities. Friends, we are also in the process of launching the e-passport
which will further enhance the security of the passports and ease immigration for our citizens. I would like to take this opportunity to thank the officials of Department of Posts and Maharashtra Police, without whose cooperation it would be impossible to dispense the services in an efficient and time-bound manner, and the team of Regional Passport Office Mumbai for the operationalization of the POPSK. In conclusion, I congratulate the residents of Vasai Virar and call upon all of you to utilize the services of the new Post Office Passport Seva Kendra. Now I am happy to inaugurate this Vasai Post Office Passport Seva Kendra. Thank you. Jai Hind. सर क्या कहेंगे आज पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन होगा क्या? देखो यहाँ पे वसई विरार के लोगों को यहाँ पासपोर्ट कार्यालय न होने की वजह से उनको मालाड या ठाणा या तो फिर सेलवास इस जगह पे उनको एप्लीकेशन के लिए जाना पड़ता था, तो इसके लिए लगने वाला जो समय है और एक्सपेंसिव है और मानसिक तान मतलब जो है अपना उसका काफ़ी डिप्रेशन जैसी सिचुएशन थी, ये सेंटर होने के बाद यहाँ के वसई लोगों को काफ़ी उसका मतलब उसका बेनिफिट होगा और आने वाले समय में यहीं पे ही उसको पासपोर्ट मिलने से जो होने वाला जो एक्सपेंसिव हो मतलब उसमें बचेगा। सर आपने इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किए थे, पहले सुषमा स्वराज जो मंत्री थी उनको भी आपने पत्र दिया, उसके बाद अभी के मंत्री को भी, इसके बारे में आप अपनी जो पूरी प्रक्रिया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए यहाँ पे मैं स्वर्गीय सुषमा जी स्वराज को और जयशंकर साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ की पॉपुलेशन को ध्यान में देखते हुए यहाँ के लोगों की जो अपना मतलब उसमें जो नीड्स देख के यहाँ पे जो पासपोर्ट डाक सेवा केंद्र है उसने जो उसको मान्यता दी, तो इसलिए मैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महापरिवर्तन दिन के मौके पर यहाँ पे वसई में इस सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधरन के हस्ते हुआ और कल से यहाँ पे पासपोर्ट देना स्टार्ट हो गया। कुछ और आवश्यक भी इसके यहाँ पे उपलब्ध है तत्काल सेवा पासपोर्ट? देखो तत्काल सेवा में कई टेक्निकल प्रॉब्लम से और वो ऑफिसर्स उसका प्रयास कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कि 3 या 6 महीने के बीच में वो स्टार्ट हो गया। सर कुछ आवश्यक सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, उसके लिए आप क्या प्रयत्न करेंगे? डेफिनेटली देखो यहाँ BSNL से लेके कई टेक्निकल मतलब जो है ऑनलाइन के लिए थोड़ा सा टेक्निकल इशू जरूर है, लेकिन वो जैसे जैसे मतलब उसमें प्रोग्रेस होता जाएगा वैसा वैसा हम वहाँ पे मतलब उसमें सुधार लाने का कोशिश करेंगे। नायक साहब वसई में आज पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का महसूस हो रहा है? हमें बहुत खुशी है कि वसई के जनता के लिए आज पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन हुआ। देश के लाडले प्रधानमंत्री को इस वसई की जनता धन्यवाद देती है, उसी तरह यहाँ के सांसद जो है हमारे राजेंद्र गावित साहब उनको भी जनता धन्यवाद देती है। लोगों या वसई के जनता को पालघर वसई की जनता को मलाड में थाना में या सिलवासा में पासपोर्ट के लिए जाना पड़ता था, आज वो पासपोर्ट का कार्यालय वसई में ही खुला हो गया आज से लोगों के सेवा के लिए, इसे वसई की जनता को बहुत खुशी है। आने वाले दिनों में और ऐसी क्या क्या समस्या है जिनको लेकर आप पाठपुरावा करने वाले? निश्चित रूप से हम लोग पाठपुरावा करने वाले है, बोरिवली से लेके विरार तक पांचवी और छठवी लाइन के लिए नालासोपारा और वसई के बीच में अलकापुरी रेलवे स्टेशन, विरार और नालासोपारा और विरार के बीच में एक रेलवे स्टेशन, क्योंकि सुबह के गर्दी के टाइम पे और शाम के गर्दी के टाइम पे लोगों को प्लेटफॉर्म पे पैर रखने के लिए भी नई जगह होता है, इसलिए रेलवे स्टेशन की मांग हम लोग करेंगे। यहाँ सॉल्ट पैन की जगह 1500 रुपया है, उसकी लीज भी खत्म हुई है, उसमें अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो लोगों की सुविधा के लिए, जो जो कर सकेंगे उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और हमें पूरा विश्वास है ये डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में है और आने वाले कार्यकाल में वसई में भी सत्ता भारतीय जनता पार्टी उसकी सहयोगी पार्टी की आने वाली है, इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार इस वसई में आएगी और वसई के जनता का जीवन जो गत 25 साल से वसई की जनता को पीड़ा से कष्ट हो रहा है वो निश्चित रूप से दूर होएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। MP और राजस्थान की तरफ से आने वाली गाड़ियों का विरार में या वसई में कहीं होल्ड नहीं है, क्या आप इस चीज को लेकर? उसके बारे में हमने रेलवे मंत्री को ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786
अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।